तैबा के वाली सारे नबी तेरे घर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है नीले पलक की चादर तनी है नीले पलक की चादर तनी है तू अगर ना होता तू अगर ना होता दुनिया के खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना जलवे है सारे तेरे ही दम से आबाद आलम तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से बाकी हर एक शय है बाकी हर एक शय है नक्श ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना कंटिन्यू करें इसको लेडीज एंड जेंटलमैन गुड मॉर्निंग ये एक नया शो है नए अंदाज का शो है और रमजान अब जा रहा है दिल में तकलीफ है दर्द है सोग है क्योंकि खुदा मालूम अगले रमजान हम हों या ना हों आज पहली बार मैंने शाहे मदीना पढ़ा है और मेरी अपनी कैफियत ऐसी है मैं हमेशा नात रसूल मकबूल के बारे में एक ही बात कहता हूँ कि कोई नात अच्छी या बुरी नहीं होती हर नात खूबसूरत होती है बस उसकी कबूलियत हो जाए और जाहिर है आज भी शो बहुत अच्छा होगा उसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे आज वंस अगेन मैं आपको देना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ लगाई हुई हैं रऊफ आलम साहब मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब कैसे हैं आप ठीक हैं रऊफ साहब के साथ साथ हमारे पास हैं इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं वेरी गुड अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं फराज साहब ठीक है हमारे पास दो ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके वालिदैन का वालिद का बहुत बड़ा नाम था कबाली में और है नासिर अली साहब और जाकिर अली साहब राहिल जो हैं वो नासिर अली साहब के साहबजादे हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप और आप जो हैं अजीम जो हैं वो जाकिर अली साहब के साहबजादे हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं अजीम आप ठीक ठाक दो साल पहले दोनों के वालिद बुजुर्गवार जो हैं उनकी डेथ हो गई जाकिर अली साहब और नासिर साहब दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन इन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया है जाहिर है प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं माशी प्रॉब्लम्स भी होती हैं लेकिन इन बच्चों ने अपने आप को रोका नहीं है बल्कि आगे बढ़ के सिर्फ एक ही बात कही है कि हम इस कव्वाली के फन को जिंदा रखेंगे अपने पेरेंट्स के नाम को जिंदा रखेंगे उनकी लाज को जिंदा रखेंगे और आज आपके सामने हम इनसे इनके फन का मुजाहरा भी देखेंगे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आफरीन है उन लोगों पे जो हमारे इस मुल्क में हिम्मत नहीं हारते आफरीन है उन लोगों पे जो इस मुल्क में हीरो बनाते हैं आफरीन है उस मुल्क पे आफरीन है इस मुल्क के लोगों पे जो दिनों रात काम करते हैं आई एम श्योर आपको भी लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स तो होते होंगे होते हैं ना आपको भी प्रैक्टिस के मौके तो नहीं मिलते होंगे आपके साथ भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो दूसरों के साथ हैं
महंगाई बहुत है, या जाहिर है आपको अपनी चारों बहनों की शादी भी करनी है। वाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द स्टोरी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरा पूरा शो जो है वो इसी बारे में है। इनसे दो हमने बहुत खूबसूरत चीजें सुननी है, एक्चुअली तीन चीजें हैं, लेकिन दो चीजें चूंकि मैंने सुनी है इसलिए मैं उनके बारे में पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत हैं। और उनमें से एक मेरी फेवरेट है, फेवरेट तो दूसरी भी है लेकिन एक मेरी बहुत फेवरेट है, ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज गोइंग टू हैपन। आपकी टेलीफोन कॉल्स मुझे चाहिए 0321, क्या हो गया बंद क्यों कर दिया, 0342207-5142, मैं अभी आपको अपना नंबर देने वाला था, बस 0342207-5142 यहां कॉल करने का नंबर होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। इकबाल भाई क्या हो गया आपको, बिल्कुल सही, आप पे ये मक्खी क्यों आ रही है, मक्खी नहीं है, मेहंदी में बैठते हैं यहाँ पे, मेहंदी आपकी मीठी है क्या, नहीं नहीं है, होता है इसके अंदर ये। अच्छा ये बताइए ईद पे जोड़े वोड़े बना लिए, हाँ माशाल्लाह बना लिए, और कितने कितने जोड़े बनाए ईद पे, बच्चों को बताए उन्होंने बनाए, आपके बच्चों ने आपके जोड़े बनाए, आज वेरी गुड, थैंक यू। फराज तुमने जोड़े बनाए, जी जी, कैसे जोड़े बनाए, एक बनाया, एक कौन सा बनाया, पीले रंग का, पीले रंग का जोड़ा, व्हाई वाज यू वेयर पीले रंग का जोड़ा, नमाज पढ़ने के लिए, नमाज सफेद में भी हो सकती थी, पीले में क्यों बना लिया, चार ईदों से सफेद में पढ़ रहा था, चार ईदों से सफेद में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीले रंग का जोड़ा बना ले, ओके। रोग साहब आप तो हर जोड़े में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन कौन सा जोड़ा बनाया है, मैंने व्हाइट बनाया है, आपने व्हाइट बनाया है, आपने पिछले साल किस रंग का जोड़ा पहना था, वो भी व्हाइट था, वो भी व्हाइट था, ओके। कितने बच्चे माशाल्लाह आपके, एक बेटा है और बेगम, एक ही है। अच्छा ये बताइए अपनी बेगम के लिए इसमें से क्या लेके जाएंगे, इसमें से कौन सा सेट है जो आप अपनी बेगम को देना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप पसंद करें, अरे बेगम आपकी हैं आप पसंद करें, आपकी भाभी है ना, अच्छा मेरी भाभी है, ओके ठीक है, आई थिंक अगर मुझसे कहा जाए तो मुझे ये सेट बहुत पसंद है, टर्कोइज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, या आपकी बेगम को दे सकता हूँ मैं, बिल्कुल ओके जी, ये मेरी तरफ से उनको, आपकी बेगम इकबाल भाई कौन सा कलर पसंद करती हैं, ब्लैक 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 पसंद करती हैं, ब्लैक में यहाँ पर क्या है, ब्लैक में ये है, आई डोंट थिंक ये ब्लैक में है, ये मल्टी कलर है, चल जाएगा, हाँ हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, या कमेर 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 जल्दी 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 क्विक, मल्टी कलर है ये, चल जाएगा ना, अरे फराज तुम्हारी बेगम को कौन सा कलर पसंद है, हाँ रेड रेड रेड, डू वी हैव रेड, यस वी डू हैव रेड, अच्छा इन दोनों में से कौन सा चाहिए, कौन सा पसंद है तुमको, ये या फिर ये वाला, ये पकड़ो दोनों दिखाओ, ये जी एक ये है, ये मल्टा कलर है और दूसरा वो है, कौन सा पसंद है तुमको, दिखाओ उनको कैमरे में दिखाओ, वाओ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, और अपनी बेगम को, ये किसी की बेगम है जिनको देना चाहते हैं, कोई देना चाहता है आप लोगों में से किसी को, आपकी बेगम है समी, तुम्हारी बेगम है, ऑफकोर्स तुम ये माइक रखिए, ये रखिए, ये रखिए प्लीज, यहां रखिए, ये रख दीजिए, रख दीजिए प्लीज, रख दीजिए एंड कम हेयर प्लीज, कम हेयर समी के लिए, सब लोगों ने मिलकर तालियां बजानी है, जोर से गो, देयर यू गो, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, आइए प्लीज आइए 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 समी, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, देयर यू गो, थैंक यू, ये तुम्हारी बीवी और मेरी बहन के लिए, थैंक यू साहिर भाई, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बेगम को प्यार से क्या कहते हैं आप, खुशबा, खुशबा, खुशबा क्यों, उषबा, USHBA, अच्छा उषबा, उषबा नाम है उनका, उषबा नाम है, नहीं तो प्यार में क्या कहते हैं, प्यार में उषबा ही कहते हैं, उषु, उषु भी कहते हैं और उषबा भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं प्यार में, वो जानू, जानू, ऑलराइट जी, सो आप बताइए, आप उनको कहिए कि जानू मैंने तुम्हारे लिए आज ये लेके आ रहा हूँ और शाम में तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा, प्लीज बोलिए, ये मैंने आपके लिए लिया है, देखें कितना खूबसूरत, अच्छा लग रहा है आपको, बस ठीक, ये ऐसे बेगम से बात करते हैं, चलो हमें तुम्हारी पोजीशन तो पता चल गई घर में, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, आज तो शो बहुत असम होने वाला है, 1 2 3 ब्रेक बैक।